हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। आखिर एकनाथ राव खड़से, सांसद रक्षा खड़से, सांसद एटी नाना पाटिल के प्रयासों को सफलता मिल ही गई और समांतर रास्ते का मामला हल हो ही गया। आपको याद हो, सागर पार्क पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सभा में एकनाथ राव खड़से, रक्षा खड़से, एटी नाना पाटिल समेत मान्यवरों ने इन रास्तों के लिए प्रयास किया था और ये प्रयास देर से ही सही लेकिन अब सफल हो गया है। शनिवार को हाईवे मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए इन रास्तों को पूरी मंजूरी दे दी है और अब समांतर रास्ते का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए संवाददाताओं को खड़से ने बताया कि उनके प्रयासों से आखिरकार जलगांव वालों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जळगाव शहरामधून जाणारा महामार्ग, त्याच्यावर अनेक वेळा अपघात झाले आणि आतापर्यंत या अपघाताची संख्या आणि त्यात मृत झालेल्यांची संख्या फार मोठी आहे। वारंवार या शहरातील नागरिकांची ही मागणी होती की या हायवेच्या बाजूला समांतर रस्ते काढण्यात यावे, रुंदीकरण करण्यात यावं, परंतु या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या ताब्यामध्ये हा रस्ता असल्यामुळे आणि महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती तशी नसल्यामुळे त्या महामार्गाचं समांतर रस्ते करता आले नाही। माननीय गडकरी साहेबांकडे 2-3 वर्षापूर्वी ही मागणी मी केली होती की बा समांतर रस्त्यासाठी आम्हाला काही पैसा उपलब्ध करून द्या। त्यावेळेस त्यांनी शब्द दिला होता की आम्ही या संदर्भात पैसा उपलब्ध करून नक्कीच देऊ। आता त्यांनी काल दिनांक 27 जुलैला या समांतर रस्त्यासाठी 100 कोटी 18 लाख रुपयाचा निधी मंजूर केलेला आहे आणि दासराचा जळगाव शहरातला एक महत्त्वाचा आणि अत्यंत किचकट अशा स्वरूपाचा हा प्रश्न या माध्यमातून सुटलेला आहे।
गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।